हेलो वर्गोस, सो जान लेते हैं मई का महीना आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर मई मंथ। अच्छा, सो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो या मेरी रीडिंग से अगर कनेक्ट होते हो या मुझे पहले से देखते आ रहे हो और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि जब भी न्यू वीडियोस आएंगे ना आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, साथ ही साथ आप इस वीडियो को देख सकते हो अगर आप यू नो मून साइन, नाम राशि, जोडियक से वर्गो हो तो ज़रूर इस वीडियो को देख सकते हो। उसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, मेरे कोर्सेज एंड बहुत सारे दूसरे डिटेल्स अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी जाकर आप चेक कर सकते हो। ओके, सबसे पहला जो कार्ड आया आपके लिए दैट इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है वो एनर्जी को जहाँ पर यू नो आप अपनी तरफ से कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हो वर्गोस, एंड फाइनली वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, वो ग्रोथ बताती हुई दिख रही है, वो ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है। साथ ही साथ यहाँ पर जो यू नो सेकेंड कार्ड है द थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सो डेफिनेटली मंथ की शुरुआत में महीने में बिजनेस सक्सेस बहुत ही खूबसूरती से दिखा रहा है आप लोगों के लिए। एंड यू नो अगर आप जॉब भी देख रहे हो, जॉब की सर्च में हो, सो जॉब भी मिलती हुई दिख रही है, सो आपके व्यापार में काम में अच्छी ग्रोथ एंड सक्सेस बनी हुई दिख रही है। वहीं साथ ही साथ आपके एजुकेशन में भी वो अच्छी एनर्जीज देखी जाएंगी। अब जितने भी लोग एब्रॉड जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाने की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग के काम में भी बढ़िया सक्सेस एंड ग्रोथ आपको देखने मिलेगी। ओके, सो इन अ वे मई मंथ की शुरुआत वर्गो राशि वालों के लिए ब्लेसिंग से और पॉजिटिविटी से शुरू होते हुए दिख रही है। यहाँ पर जो आगे हम बढ़ते हैं मिड मंथ में, तो फोर ऑफ कप्स के कार्ड्स है। मिड मंथ में ना थोड़े से मूड स्विंग्स होते हुए दिख रहे हैं, थोड़े से आप इरिटेटेड हो सकते हो, थोड़े से यू नो ऐसे एनर्जी रह सकती है कि आप कंफ्यूज्ड हो, समझ में नहीं आ रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, थोड़ा सा डल डल महसूस करोगे, ये प्रकार के एनर्जीज भी रह सकती हैं। इसको ओवरकम करने के लिए कहीं ना कहीं मेडिटेशन, योगा, एफर्मेशंस, पॉजिटिविटी आपको सुननी चाहिए तो आप यू नो स्टेबल रह पाओगे। ठीक है, मन को बस कहते हैं ना संतुलन रखना है, पॉजिटिव रखना है, क्योंकि मन चंचल हो जाएगा आपका मिड मई मंथ में। यू नो आपको लगेगा बेवजह में साड़ हो रहा हूँ, बेवजह चिड़चिड़ हो रही है मेरे को, पता नहीं क्यों, तो ये वो वाली वाइब्रेशंस इंडिकेट कर रहा है। साथ में द लवर्स के कार्ड आए हैं विच इज़ ब्यूटिफुल एनर्जीज, सो लव रिलेशनशिप, रिकन्सिलेशन, हीलिंग इन रिलेशनशिप्स, सो लव रोमांटिक लाइफ बेहतर अच्छी पॉजिटिव होती हुई दिख रही है। उसी के साथ साथ मंथ के एंड में जाते जाते द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं जो इंडिकेट करता है येस करियर में अगेन आपको थोड़ी बहुत स्ट्रगल फील होगी, बट यू नो वो स्ट्रगल कुछ ऐसी नहीं होगी कि आपको लगेगा कि वो गॉड मुझे काम नहीं करना है, मैनेजेबल। जैसे हम कहते हैं ना कि काम में तनाव, स्ट्रेस, प्रेशर तो आता ही है उस प्रकार से, बट आप बहुत एक्सपर्ट की तरह एक्ट करोगे एंड सब कुछ बहुत बढ़िया हैंडल कर लोगे। साथ ही साथ यहाँ पे द नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं जो इंडिकेट करता है वो वाली एनर्जीज़ को कि येस फाइनली जो आप अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हो वो अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। सो इन अ वे पूरे मई मंथ में करियर वाइज तो बढ़िया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। ट्रैवल के भी कार्ड्स हैं, मंथ की शुरुआत और मंथ के एंड में ट्रैवलिंग एनर्जीज दिखाई दे रही है। मे बी आप काम की तरफ से ट्रैवल कर सकते हो, पर्सनल प्लान्स बना सकते हो, इन अ वे ट्रैवल मे बी गोइंग अब्रॉड, मे बी काम से शॉर्ट और लॉन्ग टर्म ट्रैवल हो सकता है। एजुकेशन वाइज बढ़िया है, करियर बढ़िया है, रिलेशनशिप्स भी बढ़िया हैं वो गोज, मुझे कोई तनाव तो नहीं दिखा। अब आगे गाइडेंस कार्ड हम देख लेते कि कहाँ एनर्जी से बात कर रही है और लेकर जा रही है, इनफैक्ट हेल्थ भी अच्छी है, तो देख लेते हैं अभी आके क्या मैसेजेस आ रहे हैं। वर्गोस गेट रेडी, अचीवमेंट ऑफ अ डिस्टेंस गोल, यू नो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, यू नो अगर आपका कोई काम है ग्रुप में मिलकर काम करना या कुछ ग्रुप में आप प्लान शुरू भी करने वाले हो तब भी अच्छा है, या इन जनरल भी आपके करियर में बेस्ट कार्ड्स आगे हैं। कम्युनिकेशन अपनी अच्छी रखिएगा, फ्रूटफुल इंटरव्यूज़ आपके होंगे, नेगोशिएशंस आपको ही करना चाहते हो तो अच्छी रहेंगे। सो ऑल ओवर यू जिस भी काम में हाथ डालोगे वो फलित होगा, अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। साथ ही साथ यू नो यहाँ पर यू नो श्योर सक्सेस, आई थिंक जितने भी लोगों का मई मंथ में इंटरव्यू है वर्गो साइंस का, समझ लो वो तो क्लियर ही होता हुआ दिख रहा है, बाकी आगे भगवान की मर्जी, ऊपर वाले की मर्जी क्या यू नो डेस्टिनी में लिखा, बट बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है ऑफ बिजनेस सक्सेस, जॉब सक्सेस, गेटिंग अ जॉब, वो सारी चीज़ें यू नो प्रमोशन वाली वाइब है पूरी।
बेटर टाइम्स अहेड, नेगेटिविटी विल बी रिमूव्ड. सो यू नो नेगेटिविटी रिलीज होती हुई दिख रही है, ब्लॉकेजेस हटते हुए दिख रहे हैं. तो मैंने कहा ना, टैरो कार्ड्स में भी करियर एंगल बहुत स्ट्रांग था, साथ ही साथ भगवान की कृपा से जो डिवाइन कार्ड्स भी आपके लिए आए हैं वो भी काफ़ी हेल्पफुल आए हैं और क्लियर मैसेजेस दे रहे हैं रिगार्डिंग यू नो कि फाइनली एक मोमेंटम दिख रहा है, हाइट्स पर पहुँचते हुए दिख रहे हो, करियर ग्रोथ करता हुआ दिख रहा है, अच्छी एनर्जीज दिख रही है, हेल्थ बढ़िया होती हुई दिख रही है. शंख का सिंबलिज्म आया है जो कि सबसे शुद्ध प्योर हैप्पीनेस का सिंबल माना जाता है, डिवाइन ब्लेसिंग्स का सिंबल माना जाता है. नेगेटिविटी रिलीज होती हुई दिख रही है मेरे को इस महीने में. मुझे आप लोगों के लिए कोई भी ब्लॉकेजेस, स्टक एनर्जीज, नेगेटिविटी नहीं दिख रही है. ओके, रिलेशनशिप्स भी अच्छे हैं, कोई न्यू प्रॉब्लम्स आते हुए दिख रही है. सिर्फ एक मिड मंथ में नो आई फील सिर्फ एक मिड मंथ में जो एक एनर्जीज यहाँ पर थी, जो एक नो वो मूड स्विंग्स और डल एनर्जीज दिखा रहा था, तो ये खाली रहेगा, इसको कैसे ओवरकम करना है मैंने बता दिया है. सो ये ऑल ओवर वाइब है एंड एन्जॉय दिस मंथ. अपने गोल सेट कर लो, रेडी हो जाओ, पॉजिटिव रहो, बढ़िया से फोकस रहो, अच्छा महीना बीतेगा भगवान की कृपा से. सो अगर आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्ट होने से पहले थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ यू नो आपने वक्त बिताया, मेरी रीडिंग सुनी आपने, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी. कमेंट बॉक्स में मुझे बताना रीडिंग कैसी लगी है. थैंक यू सो मच.